हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश का रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, ये जो रिवीजन मैंने नोटबुक में लिखा है वो आप सबको भी आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और इसी का रिवीजन भी करना है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिल इन द गैप्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो बीच में ब्लैंक दी है वो आप उसमें आप सबको आंसर लिखकर कंप्लीट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप्स। तो यहाँ पे देखो, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है तो आप सबको आंसर भी स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा। तो फर्स्ट कौन सा लेटर है बच्चों? के फॉर काइट। के फॉर काइट के बाद कौन सा लेटर आएगा? एल। एल फॉर लायन। एल फॉर लायन के बाद आता है एम फॉर मंकी। एम फॉर मंकी के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? एन। एन फॉर नोज। एन फॉर नोज के बाद क्या आता है? ओ फॉर ऑरेंज। उसके बाद पी फॉर पैरट मैंने आप सबको लिख कर दिया है। P फॉर पैरट के बाद आता है Q फॉर क्वीन। तो बच्चों, Q फॉर क्वीन आपको नीचे रेड लाइन तक ले जाना है। Q फॉर क्वीन के बाद कौन सा लेटर आएगा? R फॉर रोज। उसके बाद S फॉर सन मैंने आप सबको लिख कर दिया है। S फॉर सन के बाद कौन सा लेटर आएगा? T। T फॉर टाइगर। T फॉर टाइगर के बाद क्या आता है बच्चों? U फॉर अम्ब्रेला। V फॉर वैन आप सबको लिख कर दिया है। V फॉर वैन के बाद आएगा W फॉर वॉच। उसके बाद क्या आएगा? X फॉर एक्समस ट्री। और Y फॉर याक आप सबको लिख कर दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द गैप्स कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? मैच कैपिटल विद स्मॉल लेटर, यानी कि यहाँ पे आप सबको जो कैपिटल लेटर्स दिए है उसके सामने आप सबको स्मॉल लेटर दिए है, तो कैपिटल लेटर को आप सबको स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है बच्चों। तो फर्स्ट हमें कौन सा लेटर दिया है बच्चों? आप सबको दिखाई दे रहा है कौन सा लेटर है? ये बी फोर बॉल। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में बी फोर बॉल कहाँ पे है? ये रहा। तो हम कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ मैच करेंगे बच्चों। आप सबको एग्जाम में भी स्केल से ही मैच करना होगा। उसके बाद है जेड फोर जिब्रा। तो यहाँ पे स्मॉल जेड फोर जिब्रा हमें कहाँ पे दिया है? बी फोर बॉल के नीचे दिया है, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल एफ फॉर फिश। तो यहाँ पे सामने आपको स्मॉल एफ फॉर फिश कहाँ है? ये रहा, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? कैपिटल टी फॉर टाइगर। तो बच्चों, आप सब लोग स्मॉल टी फॉर टाइगर ढूंढिए कहाँ पे है बच्चों। लास्ट में आपको दिया है स्मॉल टी फॉर टाइगर। उसके बाद आप सबको दिया है एम फॉर मंकी, कैपिटल एम फॉर मंकी। तो यहाँ पे स्मॉल एम फॉर मंकी कहाँ है? ये रहा, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल आर फॉर रैबिट। तो बच्चों, स्मॉल आर फॉर रैबिट कहाँ है? ये रहा, तो हम कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मैच करेंगे। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल डी फॉर डॉग। तो सामने आपको स्मॉल डी फॉर डॉग कहाँ पे दिया है बच्चों? आर फॉर रैबिट के ऊपर दिया है, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। और लास्ट में आप सबको दिया है कैपिटल क्यू फॉर क्वीन। तो आप सबको स्मॉल क्यू फॉर क्वीन कहाँ पे दिया है? यहाँ पर फर्स्ट ही लिखा है, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। इसी तरह से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है मैच कैपिटल विद स्मॉल लेटर, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है बच्चों? राइट आफ्टर एंड बिटवीन लेटर। तो यहाँ पे पहले हमें आफ्टर लेटर दिया है। देखो, आपको यहाँ पे जो लेटर दिया है उसके बाद नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा बच्चों। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो आप सबको आंसर भी कैपिटल में लिखना होगा। एफ फोर फिश के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी फोर गन। उसके बाद हमें दिया है वाई फोर याक। वाई फोर याक के बाद क्या आता है? जेड फोर जिब्रा। बच्चों, याद रखना, आपको कैपिटल में पूछा है तो आपको आंसर भी कैपिटल में ही लिखना होगा। उसके बाद है सी फोर कैट। सी फोर कैट के बाद क्या आता है? डी। डी फोर डॉग। उसके बाद है एस फोर सन। एस फोर सन के बाद आता है टी फोर टाइगर। नेक्स्ट हमें दिया है पी फोर पैरोट। पी फोर पैरोट के बाद क्या आएगा? क्यू फोर क्वीन। तो हम यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे क्यू फॉर क्वीन। नेक्स्ट हमें दिया है एल फॉर लायन। एल फॉर लायन के बाद क्या आता है बच्चों? एम फॉर मंकी।
और लास्ट आफ्टर लेटर हमें दिया है W फॉर वॉच। W फॉर वॉच के बाद आता है X फॉर Xmas tree। तो बच्चों ये हमारा आफ्टर लेटर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमें दिया है बिटवीन लेटर, यानी कि हमें यहाँ पे जो दो लेटर दिए हैं उसके बीच में कौन सा लेटर आएगा वो हमें लिखना होगा। बीच का लेटर उसे कहते हैं बिटवीन। तो देखो यहाँ पे आप सबको स्मॉल लेटर लिख कर दिया है, तो आप आंसर कौन सी ABCD में लिखेंगे बच्चों? स्मॉल ABCD में। यहाँ पे D फॉर डॉग और F फॉर फिश लिख कर दिया है, इसके बीच कौन सा लेटर आता है? E। E फॉर एलिफेंट। आगे देखते हैं M फॉर मंकी, O फॉर ऑरेंज। इन दोनों का बिटवीन लेटर कौन सा होगा? N फॉर नोज। M, N, O। नेक्स्ट हमें दिया है Q फॉर क्वीन और S फॉर सन, तो उन दोनों के बीच कौन सा लेटर आएगा बच्चों? R। R फॉर रैबिट, तो बनेगा QRS। नेक्स्ट हमें दिया है U फॉर अम्ब्रेला, W फॉर वॉच, तो ये दोनों के बीच कौन सा लेटर आएगा? V। V फॉर वन, UVW। नेक्स्ट हमें दिया है A फॉर एप्पल और C फॉर कैट, तो इन दोनों के बीच आएगा B फॉर बॉल, तो बनेगा ABC। उसके बाद हमें दिया है K फॉर काइट और M फॉर मंकी, तो इन दोनों के बीच कौन सा लेटर आएगा? L। L फॉर लायन, तो क्या बनेगा? KLM। और लास्ट बिटवीन लेटर हमें दिया है G फॉर गन और I फॉर आइसक्रीम, इन दोनों का बिटवीन लेटर कौन सा होगा बच्चों? H। H फॉर हॉर्स। तो ये हमारा बिटवीन लेटर वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है बच्चों? राइट स्मॉल लेटर फॉर ईच कैपिटल लेटर, यानी कि यहाँ पे आपको जो कैपिटल लेटर्स दिए हैं बच्चों उसके बाजू में आप सबको जो ब्लैंक दी है उसमें आपको ये कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर लिखना है, जो हम स्मॉल ABCD सीख गए ना बच्चों उसके हिसाब से। देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कैपिटल T फॉर टाइगर, तो उसके बाजू में हमें क्या लिखना होगा? स्मॉल में T फॉर टाइगर। तो स्मॉल लेटर में T फॉर टाइगर हम इस तरह से लिखते हैं, तो आप सबको भी वैसे ही लिखना है। उसके बाद है U फॉर अम्ब्रेला, ये कैपिटल U फॉर अम्ब्रेला है, तो स्मॉल U फॉर अम्ब्रेला हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों? तो आपको बाजू में स्मॉल लेटर U फॉर अम्ब्रेला लिखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें कौन सा लेटर दिया है? M फॉर मंकी, तो अब हम यहाँ पे स्मॉल M फॉर मंकी लिखेंगे। उसके बाद है कैपिटल A फॉर एप्पल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लेटर A फॉर एप्पल। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें दिया है J फॉर जोकर, तो यहाँ पे हम स्मॉल J फॉर जोकर लिखेंगे, वो आपको ब्लू लाइन से स्टार्ट करते हुए नीचे रेड लाइन तक ले जाना है, वो आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट हमें दिया है G फॉर गन, कैपिटल में दिया है, तो उसके बाजू वाली जो ब्लैंक है वहां पे हम स्मॉल लेटर में G फॉर गन लिखेंगे, वो भी आप सबको ब्लू लाइन से स्टार्ट करते हुए नीचे रेड लाइन तक ले जाना है बच्चों। नेक्स्ट हमें दिया है L फॉर लायन, तो उसके बाजू में हम लिखेंगे स्मॉल L फॉर लायन। नेक्स्ट है Q फॉर क्वीन, तो हम लिखेंगे स्मॉल Q फॉर क्वीन। उसके बाद है R फॉर रैबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल R फॉर रैबिट। और लास्ट में है E फॉर एलिफेंट, तो यहाँ पे हम स्मॉल में लिखेंगे E फॉर एलिफेंट। तो बच्चों ये हमने कौन सा क्वेश्चन सीखा? यहाँ पे हमें जो कैपिटल लेटर्स दिए हैं उसके सामने हमें स्मॉल लेटर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल द सिमिलर अल्फाबेट, यानी कि यहाँ पे आपको जो लेटर लिख कर दिया है वो आपको ये दोनों बॉक्स में लेटर ढूंढने हैं और फिर उस पर सर्कल करना है। देखो यहाँ पे है स्मॉल L फॉर लायन, तो आपको यहाँ पे स्मॉल L फॉर लायन कहाँ है ये वाले स्पेलिंग में, ये रहा, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे L फॉर लायन कहाँ है, देखो ये तो F है, उसके बाजू में दिया है L, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। ये तो Y है, तो उस पर तो हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है G, तो यहाँ पे G कहाँ है? फर्स्ट, तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। और इस बॉक्स में G कहाँ है? देखो फर्स्ट है M, उसके बाद हमें दिया है U और लास्ट में दिया है G, तो हम G पर सर्कल करेंगे। उसके बाद है स्मॉल R फॉर रैबिट, तो यहाँ पे R फॉर रैबिट कहाँ है बच्चों? देखो फर्स्ट हमें C लिख कर दिया है, उसके बाद A है और लास्ट में हमें दिया है R, तो हम उस पर सर्कल करेंगे।
यहाँ पे हमें फर्स्ट आर लिख कर दिया है तो हम उसी पर सर्कल कर देंगे बच्चों। उसके बाद हमें दिया है ई, तो यहाँ पे ई आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे बीच में है ई, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। और यहाँ पे ई कहाँ है, देखो यहाँ पे भी लिखा है ई, और लास्ट में भी आपको ई दिया है, तो हम ये दोनों ई पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है ए, तो यहाँ पे हमें पहले ए आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे है ए, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है एफ, फिर हमें ए दिया है, तो हम उसी पर सर्कल करेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमें दिया है यू, तो यहाँ पे यू कहाँ है बच्चों, ये रहा, और यहाँ पे हमें यू दिया है, बीच में दिया है, तो हम उसी पर सर्कल करेंगे। अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द गैप्स, यानी कि यहाँ पे जो बीच में हमें लेटर जो छोड़ दिए गए हैं वो हमें लिखकर कंप्लीट करना है। तो देखो आपको यहाँ पे कैपिटल में लिख कर दिया है, तो हम आंसर भी कैपिटल में ही लिखेंगे। यहाँ पे है ए फॉर एप्पल, उसके बाद आता है बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल के बाद क्या आएगा, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट के बाद क्या आता है बच्चों, डी फॉर डॉग, उसके बाद ई फॉर एलिफेंट लिख कर दिया है, उसके बाद क्या आएगा, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश के बाद क्या आता है, जी, जी फॉर गन, एच फॉर हॉर्स आप सबको लिख कर दिया है, एच फॉर हॉर्स के बाद आएगा आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम के बाद क्या आता है बच्चों, जे फॉर जग, जे फॉर जग के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, के फॉर काइट, एल फॉर लाइन आप सबको लिख कर दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी के बाद क्या आता है बच्चों, एन फॉर नोज, और लास्ट में आपको ओ फॉर ऑरेंज से लिख कर दिया है। बच्चों अब हम रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच पिक्चर विथ अल्फाबेट, उसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उसके बाजू में हमने अल्फाबेट भी दिए हैं, तो हमें पिक्चर को अल्फाबेट के साथ मैच करना है। तो बच्चों फर्स्ट हमें काइट का पिक्चर दिया है, तो हमें कौन से के साथ मैच करना है, के फॉर काइट, तो बच्चों के फॉर काइट यहाँ पे है तो हम उसके साथ मैच करेंगे। अब नेक्स्ट हमें दिया है नोज का पिक्चर, एन फॉर नोज, तो यहाँ पे एन कहाँ पे लिखा है, ये रहा, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जग का पिक्चर दिया है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जे फॉर जग, तो जे आपको लास्ट में लिख कर दिया है, तो हम उसी के साथ मैच करेंगे। उसके बाद हमें दिया है आई का पिक्चर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ई फॉर आई, तो ई यहाँ पे लिखा है, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। और लास्ट में हमें दिया है फैन का पिक्चर, यानी कि एफ फॉर फैन, तो एफ यहाँ पे लिखा है, तो हम ये दोनों मैच करेंगे। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन का रिवीजन किया, फर्स्ट हमने सीखा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि बीच में आपको जो जगह रखी है वो ब्लैंक में आपको लेटर लिखकर कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने सीखा मैच कैपिटल विथ स्मॉल लेटर, यानी कि आपको कैपिटल लेटर को सामने स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है। उसके बाद में हमने आफ्टर लेटर का रिविजन किया और बिटवीन लेटर का रिविजन किया। नेक्स्ट राइट स्मॉल लेटर फॉर ईच कैपिटल लेटर, यानी कि यहाँ पे आपको जो कैपिटल लेटर दिए है उसके बाजू में आपको वही के स्मॉल लेटर लिखकर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट हमने किया सर्कल द सिमिलर अल्फाबेट, यानी कि यहाँ पे आपको जो अल्फाबेट लिखकर दिया हो वो अल्फाबेट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर सर्कल करना है। उसके बाद हमने करा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो ब्लैंक है उसे आप सबको कैपिटल में आंसर लिखना है। मैंने भी यहाँ पे बीच बीच में जो लेटर लिखे है वो कैपिटल में लिखा है, तो आपको आंसर भी कैपिटल में लिखना होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमने रिवीजन किया मैच पिक्चर विथ अल्फाबेट, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर हमें दिए है सामने हमें उसके अल्फाबेट दिए है तो हमें उसके साथ मैच करके कम्प्लीट करना है। तो बच्चों रिविजन के ये सारे क्वेश्चन आप सबको आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें लिखकर कम्प्लीट करना होगा, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।